आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सर्दी की बात की जाए, सर्दी बहुत है, गया हुआ था काम के लिए और बारिश सुबह लगी हुई थी काफी तेज, तो जिसकी वजह से मैं सुबह गीला भी हो गया। अभी वापस आ रहा हूँ, शाम के 5 बज रहे हैं, तकरीबन 5:30 हो रहे हैं। ठीक है, वापस जाते हैं घर, कढ़ाई का मूड बना हुआ है, कढ़ाई छड़ाई बनाएंगे। ठीक है, उसके साथ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन और आने वाली हर एक वीडियो देखते भी रहें, उसके साथ शेयर भी करते रहें। यार लिटरली जो सर्दी है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इधर की स्ट्रॉबेरीज और पाकिस्तान की स्ट्रॉबेरीज में यार कुछ इतना बड़ा फ़र्क है कि जिसकी कोई हद है। और इधर की जो साथ चेरीज हैं, चेरीज में भी बहुत बड़ा फ़र्क है, मतलब कि पाकिस्तान की चेरीज चेरीज अलग हैं। किसी को गर्लफ्रेंड को बुके शुके अगर देना है तो वो दे सकता है यहाँ से लेके। तो सर्दी की यार बस शिनयांग का मेरे ख्याल से जो वेदर है वो है ही एबनॉर्मल किस्म का वेदर है। एक पल में सर्दी, एक पल में गर्मी, हई माँ मैं तो ठर गई। तो मुझे इससे हसन ये वाली बात याद है ना, जब लास्ट ईयर में आता था गिला होकर मैं आके बोलता था ओई माँ मैं तो ठर गई। भाई दोबारा मेरे साथ वही सब बना हुआ है, मैं वाकई नहीं आई ठर गई। बहुत सर्दी है यार इस बार, तो सर्दियों के रोज़े आए हुए हैं हमारे ऊपर। तो चिकन गल ले आए थे आज ज़बरदस्त सी बम्बू कढ़ाई बनाने का प्रोग्राम बना हुआ है मेरा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं आज बम्बू सी एक कढ़ाई बनाऊँ। ठीक है, उसके साथ इंशाल्लाह एक इंट्रोडक्टिव वीडियो भी बनाऊँगा अपने से रिलेटेड कि मैं चाइना कैसे आया। ठीक है, आप लोग क्या क्या करें तो आप लोग चाइना आ सकते हैं। ठीक है, एजेंट्स की ज़रूरत है नहीं है। ठीक है, जिन भाइयों ने बहनों ने स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना है, ठीक है, उनको एजेंट चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है, तो सारा उनको एक नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ मैं बताऊंगा कि कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। मैक्सिमम यूट्यूबर जो हैं वो लारे लगा रही होती हैं, ये करो वो करो। मैंने खुद भी उनकी बड़ी वीडियोस देखी, उनको फॉलो करने की कोशिश की थी, पर आधे से ज़्यादा झूठ बोल रहे होते हैं बीच में। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वो चीज़ बताऊंगा जो मैंने अपने ऊपर खुद तजर्बा किया है जिस चीज़ का, तो इंशाल्लाह ना आप लोग गलत होंगे ना और कुछ होगा, तो आ जाएंगे बड़े ईजीली। ठीक है, कोई इशू की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, जस्ट आपके 2.5 से 3 महीने लगेंगे। ठीक है, और आप लोग होंगे चाइना में, बस इतनी सी बात है। तो सर्दी बहुत ज़्यादा है, अभी मैं वीडियो बंद करता हूँ, वापस जाता हूँ घर। घर पहुँच के फिर उधर व्लॉग में एक्चुअली मैं सुबह ही स्टार्ट कर देता, पर इशू ये था कि सुबह बारिश भी थी, सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी, तो जिस वजह से मैंने स्टार्ट नहीं किया। ये हमारा शिंजानी भाई मुस्लिम बैठा हुआ है। ठीक है, ये नान छान इधर से भी मिलते हैं, ठीक है, बेहतरीन करके, पर इनके नान के ऊपर एक मसला होता है, टेस्ट सेम टू सेम हमारा पाकिस्तान वाला टेस्ट ही है, पर इनने पीस के लहसुन लगाया होता है नान के ऊपर, बस खाली इनके नानों का ये मसला है। चैरवीस ये अपनी दुकान बंद करके जा रहे हैं। चले मिलता हूँ थोड़ी देर बाद आपसे। तो सबसे पहले ये हल्का सा प्याज और लहसुन डाला हमने, इसको भी हम कर रहे हैं ब्राउन से, लाल हो जाए ब्राउन थोड़ा सा, इसको करते हैं नीचे से तेज। ओके, थोड़ा सा ब्राउन हो जाए फिर उसके बाद कुछ और डालते हैं, वो भी बताते हैं आपको। ओके, तो प्याज को लहसुन ब्राउन हल्का हल्का हो गया है, अब इसके साथ डालते हैं ये हमारे चिकन है, चिकन डालेंगे बीच में, अच्छी चिकन को थोड़ा सा इस पर रोस्ट करना है, फिर उसके बाद और इंग्रीडियंट हम डालेंगे बीच में, तो हमारे साथ ही बने रही है। और ये हमारी चीज़ बीच में पूरी करके आ गई है, थोड़ा सा ऑयल डालते हैं और ऑयल के साथ देखते हैं कि उसके बाद हमने और क्या डालना है। ओके, तो हमारे पास ये था फ्राई कढ़ाई गोश्त मसाला जो हमने इसमें डाला है, दिखने में तो बड़ा माशाल्लाह
जबरदस्त लग रहा है, पता नहीं बनेगा तो चलिए पता चलेगा कि क्यों गति आ रही है। दूर से भी बहुत अच्छा लग रहा है, तो हमारे साथ बने रहिए आप। आज आप लोगों को बड़ी जबरदस्त कर दिया। सारी ये टमाटर पड़े हैं, टमाटर काटने हैं ज़रा। उमर भाई नमक कहाँ पड़ा है? ओके, नमक डालते हैं इसके बीच में, फिर टमाटर काटते हैं, थोड़ा टमाटर का मिलाते हैं इसके साथ। तो जैसे जैसे बनती जाती है आप लोगों को भी साथ साथ हम बताते जाते हैं। देखेंगे आ जाए जरा। ओके, तो मेरी चढ़ाई बन गई है, सारे कमेंट्स में बताना कैसी बनी है। ओके, व्लॉग शुरू करते हैं। तो बाहर नहीं गया आज क्योंकि बाहर सर्दी बहुत ज़्यादा है और बारिश भी लगी हुई है, टेम्परेचर भी माइनस में गया हुआ है, तो बाहर जाने का मौसम ही नहीं था। तो गुड न्यूज़ ये है कि चाइना ने अपने टूरिस्ट वीज़े भी ओपन कर दिए हैं, और स्टूडेंट वीज़े तो ऐसे भी हमने अपने खोल दिए थे। मतलब बॉडी बिल्डर पुशअप्स तो नहीं है, खैर ये क्या कहते हैं इसको, हाँ ट्राइसेप लगाते हुए। ये पीछे हमारे उमर भाई, उनके कमरे की लाइट ऑन हुई हुई है। उमर भाई गिटार उठा के लाओ ना। ढूंढे तुझे जमाना जी, आज तो फॉर्म ही हुई है। ओके, ये बॉडी बिल्डर मलिक साहब अपनी बॉडी दिखाते हुए, ये उमर भाई बाय स्ट्रीट व्यू देखते हुए गिटार बजाते हुए सीख रहे हैं अभी बिगनिंग में। यार आज का व्लॉग मजे का नहीं बन सका क्योंकि मैं आज थका बहुत ज्यादा हुआ हूँ। मैं थोड़ी देर में व्लॉग खत्म करूंगा इंशाल्लाह, बस ये रमजान खत्म हो ठीक है, इसके बाद हम घूमना फिरना शुरू करेंगे तो सही व्लॉगों का मजा आएगा उस वक्त। ये रमजान है, बाहर निकलने नहीं होता, कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है, कभी रोजा लगा होता है, तो बाहर हम निकलते नहीं है। ओके, तो यार बस मेरे ख्याल से बहुत हो गया है, व्लॉग खत्म करते हैं आज का देरी, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगले व्लॉग में लाजमी बैठ जाएंगे, जाके कोई मजा शजा करेंगे। आज जरा हिम्मत नहीं, आज हिम्मत सारी आउट हुई हुई है क्योंकि सुबह उठा बहुत जल्दी था। सही, अच्छा बैक ट्रैक म्यूजिक आप दे रहे हो। सुबह उठा बहुत जल्दी था, एक इंटरव्यू था, इंटरव्यू के लिए गया हुआ था, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी की क्लासेस थी, फिर उसके बाद वापस आ गया, इफ्तारी शफ्तारी का काम था। घर में सोया भी हूँ पर मैं अभी भी बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, तो मुझे नहीं है, मेरी आवाज़ से भी आप लोगों को लग रहा होगा कि थोड़ा है थकावट आई हुई है मुझ में। तो बस फिलहाल आज के लिए इतना ही है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, और आने वाली हर एक वीडियो को शेयर करते रहें। अल्लाह हाफिज़।